ओबीएस कहानी नंबर 5 वादेरा पुत। अब्राम और सारे कनान देशा विच पहुंचने ते 10 साल बाद भी अबू तक तिनारे कोई औलाद नहीं थी। इस खातर अब्राम और घरवाली सारे ने तिसके बोलिया, देख परमात्मा ने माखे अबू तक कोई औलाद नहीं दे रखी और एब तो बच्चा पैदा करने खातर बहुत बुढ़ी होगी दी। सुन, तू मेरी सेवादारनी हजर जरिए मेरे खातर एक औलाद पैदा कर। फिर अब्राम ने हाजर के जरिए अपनी घरवाली सारे खातर पुत पैदा किया और अब्राम ने तीसरा नाम इस्माइल रखा। पर सारे हजरत जलन करने लगी। जब इस्माइल 13 साल रहा था तो परमात्मा ने फिर अब्राम साथे गल की। परमात्मा ने बोलिया, हाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, हाँ तेरे साथ एक वाचा बानू है। तेवे अब्राम ने जमीन पाते झुकी के अपने घुटने टेके। परमात्मा ने अब्राम के ये भी बोलिया, तू बहुत सारी बरादरी का पिता होना, हाँ ताखे और तेरे वंश जाके तिनारी अपनी जमीन बनाने खातर कनान देश देऊंगा और हाँ हमेशा खातर तिनारा परमात्मा रहना, तैं अपने परिवार बीच हर मर्दा रा खतना करना, तेरी घरवाली सारे ने एक पुत जन्म देना, से पुत वादेरा पुत होना, तैं तीसरा नाम इसहाक रखना, मैं ते साथे अपनी वाचा बनाए दे रखनी और से एक बहुत बड़ी बरादरी बनी जाना। हाँ इस्माइल आखे भी एक बड़ी बरादरी बनाऊंगा पर मेरी वाचा इसहाक का साथे रहनी। तेवे परमात्मा ने अब्राहम वाला नाम बदली के अब्राहम करता, जिजरा मतलब है बहुतारा पिता। परमात्मा ने सारे रा भी नाम बदली के सारा करता, जिजरा मतलब है बहुतारी अम्मा। तेस दिन अब्राहम ने अपने परिवार बीच सब मर्दारा खतना किया। लगभग 1 साल बाद जब अब्राहम की उम्र 100 साल थी और सारा री 90 साल थी, तेवे सारा ने अब्राहम के पुता के जन्म दिता और जिया परमात्मा ने तिना के बोलिया था तिना ने तिया ही तीसरा नाम इसहाक रखा। जब इसहाक जवान हुआ तो परमात्मा ने अब्राहम का भरोसा परखने खातर तीसरी परीक्षा की। परमात्मा ने बोलिया, मेरे खातर अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ाई दे। अब्राहम ने फिर परमात्मा का आदेश मान्या और अपने पुत्र की बलि चढ़ाने खातर तैयार हुईगा। जब अब्राहम और इसहाक बलि चढ़ाने वाली जगह की तरफ जाने लग रहे थे तो इसहाका ने अब्राहम से पूछा, पापा आशा के लकड़िया तो है पर बलि चढ़ाने खातर मेमना कही है। अब्राहम ने उत्तर दिता, मेरे पुत बलि चढ़ाने खातर मेमने का इंतजाम परमात्मा ने आप ही करना। जब से बलि चढ़ाने वाली जगह पीछे पहुंच गए तो अब्राहम ने इसहाक बन्नी के वेदी पांदी लेटाईता। अब्राहम अपने पुता के मारने वाला था। इतने पीछे परमात्मा ने बोलिया, रुकी जा, अपने पुता के नुकसान नहीं पहुंचाया, एवे माखे पता लगेगा कि तू मेरा डर मानो आ, क्योंकि तै अपना इकलौता पुत भी मानते बचाई के नाख्या। अब्राहम ने सामने एक मेमना देखा जो झाड़िया पीछे फसीरा था। इसहाका री बली रे बदले मेमने का इंतजाम परमात्मा ने पहले ही था किता था और अब्राहम ने खुशी खुशी मेमने की बली चढ़ाई। तेवे परमात्मा ने अब्राहम के बोलिया, तू मेरे खातर अपना सब कुछ देने खातर तैयार था, बल्कि तू मेरे खातर अपने इकलौते पुत्र की बली देने खातर भी तैयार था। इसी खातर आऊं ताकि आशीष देने का वादा करूं है, तेरे वंशज आसमान के तारे ते भी ज्यादा होने, क्योंकि तै मेरा आदेश मान्या, इसी खातर मैं तेरे परिवार के जरिए संसार की सब बरादरी के आशीष देनी।